Aspiration. रूडी एक्सरसाइज करवा रहा था ऊपर से. भैया भैया रूडी को क्या हो गया? उधर भैया भैया ये सब क्या है? ये भगाने किया भैया. खोलो. दोनों का रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया. I mean, I didn't know you like this at all. ऊपर से very very nice, अंदर से full on spice, हाँ? ये भगवान, ये 50 Shades of रूडी देखने से मैंने मुझे कुछ हो क्यों नहीं गया? और रूडी तुझे समझना चाहिए ना, घर में और भी लोग हैं. अगर हमारी जगह दादी आ जाती तो, हाँ? I mean, दादी हमेशा कहती है कि बहू वो जो परिवार वालों को बांध के रखे, लेकिन I'm sure she didn't mean कि ऐसे बांध के रखे. और वो छोड़, छोटी माँ आ जाती तो संस्कार. माय माता हो जाती. हाँ हो जाती. और अगर बड़ी माँ आती तो, और अगर बड़े पापा या डैड आ जाते तो, या हनिका या गौरी या भव्य. वो छोड़. सबसे खतरनाक बात, खन्ना आ जाता. खन्ना 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 यार गाइस ये गेम खेलना बंद करो. वो आ जाता, ये आ जाता, मुझे खोलो. सॉरी हम किसी की पर्सनल लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते. खोलो प्लीज, खोलो यार मुझे. मुझे अनिका की आवाज आई यार. गौरी वो अनिका ने मुझे आवाज दी है. नहीं मुझे. अच्छा मेरे पड़ोसियों के भाई हो क्या? मुझे खोलो. आई रुको, क्या कर रहा? आपको पता है मैं बटर नहीं खाता, फिर भी लगा रहे. पीनट बटर लगाओ. ये नहीं यार, नहीं ये वाला नहीं, ऑर्गेनिक वाला लगाना है. आ मेरी तो किस्मत ही खराब है. कैसे लगा रहे हो? एज तक ट्रेंड करो यार इसको ठीक से. आ सुनो, जेली भी लगा दो. आप खुद कर लिए. अगर कर सकता होता तो मैं कर लेता, पर सारी रात ना हैंड्स अप पोजीशन में सोया हूं. क्यों क्यों ये ले. कहा सुनो, डोंट इवन थिंक अबाउट इट. अब ये मत कहना कि मुझे खिलाओ भी. कैसे भाई हो यार? भाई एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं. शिवाय भी होते ना तो अपने हाथों से मुझे खिलाते. आई डोंट थिंक. हाँ वैसे बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि शादी के बाद मेरे दोनों भाई बदल गए. और कल जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना. एक मिनट मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए आपसे. एक मिनट, हमने क्या किया? जो किया भव्य ने किया है. आप चाहते तो मुझे खोल सकते थे, पर नहीं, मजे ले रहे थे ना उस वक्त. वैसे मुझे एक बात बता, ये सारी चीजें तेरे साथ ही क्यों होती? बताऊं? क्योंकि मैं आपकी तरह इंस्पिरेशन का वेट नहीं करता. थक लाइफ ब्रो. अपना ब्रेकफास्ट खुद बना. मेरे को दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे को दे दो, बहुत भूख लग रही है यार. सॉरी ब्रो. सॉरी खाएगा? मुझे एक बात बता, तू हथकड़ी से निकला कैसे? मैं भव्या, बहुत हो गया, प्लीज खोलिए मुझे. पहले आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और हमें हमारा काम करने देंगे. हाँ बाबा, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, आप जो नहीं कहेंगी मैं वो नहीं करूंगा. प्लीज मुझे आजाद कीजिए. फिर मैंने उसे बोला कि मैं सीधे कमिश्नर को फोन कर दूंगा और बोलूंगा आप अपनी ड्यूटी का गलत फायदा उठा रही हैं. फिर क्या था, इंस्पेक्टर से सीधी भीगी बिल्ली बन गई. रियली या रियली बॉयस? और जेल से कब छूटा? वेरी फनी. Funny, very funny, but I hope you've learned your lesson.
आई होप आपको सबक मिल गया होगा. गुड. आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मांग लूंगा? अब तो मैं पता लगा के रहूंगा कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं. साथी, मैं तो समझ गया हूं, पर आप समझे कि नहीं? मतलब क्या था? जानवी, जानवी, तुम पूरी रात सोई नहीं हो क्या? कल जो हमने तेज के साथ किया, उसके बाद शायद मैं कभी ना सो पाऊं. सब मुझसे पूछ रहे कि तेज का, I don't know, मैं उनको क्या बोलूं? कैसे कहूं कि तेज इस दुनिया में नहीं है? श्वेतलाना, तुम्हें क्या लगा तेज सिंह ओबरॉय की जान इतनी आसानी से चली जाएगी? श्वेतलाना, मैंने उसे मार दिया है, अब तुम्हारी बारी. मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तेज जिंदा तो नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है जानवी, हमने खुद उसे दफनाया है. लेकिन श्वेतलाना, जब हम वापस गए थे तब वो कब्रों में नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा हो? जस्ट शट अप जानवी, तुम शरीफ लोगों की यही प्रॉब्लम है, छोटे से क्राइम का बोझ नहीं उठा पाते. एक्चुअली तेज को अभी अभी देखा, सपने में देखा होगा जानवी. हाँ, सपने में देखा. जानवी, जब तुम्हारे अच्छे सपने सच नहीं हुए तो ये बुरा सपना कहाँ से सच होगा? तुमने पहली बार खून किया है ना, इसलिए घबरा रही हो. एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ. एंड आई डोंट थिंक सो हमें ये सारी बातें फोन पे करनी चाहिए. ओके? मैं भी एक सपने से डर गई. तेज वापस कैसे आ सकता है? What are you talking about? हमानिका भाभी के बारे में बात. फिर शुरू हो गया. मैंने कहा था ना, तुम दोनों बीच में मत पड़ो. नहीं पड़ेंगे भैया, पर एक बार हमारी बात तो सुन लो. कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं, और कुछ ऐसा जो हमें आपको बहुत पहले बता देना चाहिए. Are you sure? हाँ, हमें भैया को बताना पड़ेगा. भैया, वैसे तो आप अनिका भाभी को हमसे अच्छे से जानते हो, पर हेजिटेशन हो रही है मुझे बोलने में. पर सच छुपाना नहीं चाहिए. जो भी बोलना चाहता है सीधे सीधे बोल. आपको तो पता है ना कि अनिका भाभी कुछ भी करती है. आपको पता है ना अनिका भाभी के बारे में? कहना क्या चाह रहा है तू? अनिका भाभी भी आपकी तरह अनप्रेडिक्टेबल है भैया. जैसे आप फ्लिप मारते हो वैसे अनिका भाभी फ्लिप मारती है. समझ ही नहीं आएगा वो क्या बोल रही है, वो क्या कहना चाहती है. वो बोलना कुछ चाहती होंगी और निकल कुछ गया. आपको पता है अनिका भाभी थोड़ी क्रेजी, और क्रेजी लोग कैसे होते हैं? कहना चाह रहा है कि अनिका पागल है. हो, मैं? मैंने तो बोला ही नहीं. You just said. नहीं, आपने बोला अभी. आप ही हर वक्त बोलते हो she's mad. मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मैडनेस में कुछ बोल दिया होगा या गुस्से से निकल गया होगा. रूडी, तू साबित क्या करना चाह रहा है? सब कुछ मैं ही बोल रहा हूँ, तब से बोलो. रुद्र ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अनिका ने जो भी कहा, जो भी किया,
वो जानबूझकर नहीं, अनजाने में किया। या हो सकता है कि कोई और रीजंस हो, या मजबूरी। मजबूरी? और तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि अनिका ने जो भी किया, जो भी कहा, बिना सोचे समझे कहा, फिर भी गलती उसकी है। वो शिवाय सिंह ओबेरॉय की बीवी, उसे पता होना चाहिए था कब कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है। उसने इस घर को तोड़ने की बात की, हम तीनों अलग करने की बात की, और उसने तुझे I can't forget it. Okay. मैं मानता हूं कि उसने उस दिन के पहले कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन उस एक दिन में उसने सब कुछ खत्म कर दिया। मानता हूं वो एक आइडियल बीवी थी, आइडियल बहू, आइडियल बहन, आइडियल भाभी, लेकिन सिर्फ एक दिन में सब कुछ खत्म, सब खत्म कर दिया उसने। कितनी उम्मीदें जुड़ी थी मेरी, सब की सब खत्म। और ऐसा ट्रस्ट तोड़ा उसने मेरा, जिंदगी भरना उस पर यकीन नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे प्रपोज करने जा रहा था, अपनी की हुई सारी गलतियां सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, पानी फेर दिया सब पे। उसने मेरा ना सिर्फ यकीन नहीं तोड़ा, वो दिल तोड़ दिया। ये प्यार बड़ी टुच्ची चीज होती है यार, एक झाम में दीवार पे सटा देती है, एक झाप में दीवार पे सटा देती है। तेरी डिक्शनरी को क्या हो गया? भाभी, भैया का दिल टूट रहा है वो। और वो कहते हैं ना कि जिसने दिल तोड़ा है वही जोड़ सकता है। 3,600 देने हैं दूध वाले को, फ्रूट वाले को देने हैं 5,200, टोटल हो गया 8,800। बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। 10 कम है। कैलकुलेटर से तो सही लिखे। मैंने 8,800 ही लिखा। 880 लिखा। 10 कम हो गया। बुढ़ी सही कहता है, ये सच में पागल है। क्या कहा आपने? $8,800 ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या कहा? यू नो, इंसान का बेसिक नेचर कभी नहीं बदलता, और ये बात तुम्हारे लिए 100% ट्रू है। सही कहा, इंसान का बेसिक नेचर नहीं बदलता, और अगर बदल जाए या इंसान पलट जाए तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती, लेकिन आप नहीं समझेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ऊपर देखो, रो क्यों रहे? ऐसे 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 कोई नहीं रोता। तुमने अभी जो कहा उसका कुछ तो मतलब है ना? कहना है मुझसे आने रिचान। मैं
मैं ही मेडिसिन नहीं खाऊंगी। ये दवाई ले लो, यू विल फील बेटर। मैं बीमार नहीं हूं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम जानवी? काम डाउन जानवी, तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। क्या हो? बार बार फोन की तरफ क्यों देख रही? फोन पर कॉल आया था। फोन इसलिए ही ताकि कॉल्स आए। फोन पर तेज का कॉल आया था। जानवी तुम पैनिक कर रही हो। मैं इस बात को प्रूफ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा था ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तेज का कॉल आया था इस पे। You just need to relax. तुम पैनिक कर रही हो इसलिए योर माइंड इज बीइंग फिक्स्ड। ये दवाई ले लो, यू विल फील बेटर। तेज तेज का फोन। हेलो। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? रिलैक्स जानवी, होटल मैनेजर को तेज का फोन लॉबी में मिला और तुम्हारा नंबर एज अ फाइव स्टोन था। दैट्स व्हाई दे वर कॉलिंग यू अप। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? शिवाय, शिवाय, चेची से कोई बात हुई क्या? नहीं तो वो तो आउट ऑफ टाउन है। उनका आउट ऑफ द टाउन्स ना इन ऑफ द टाउन्स होने लगा है। मतलब यही कि वो जो हर दूसरे तीसरे दिन अचानक आउट ऑफ द टाउन्स के लिए निकल पड़ते हैं ना, असली में क्या हो रहा होता है मुझे सब पता है। कहना क्या चाहते? यही कि वो काम के बहाने इधर उधर घूमने जाते हैं आजकल। किस बेसिस पे कह रही हैं आपकी? ओ माय माता, दो दो आंखें हैं मेरी और एक तीसरी आंख भी है, थर्ड आईज, मन की आंख। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और क्या छुपा रहा है सब पता चल जाता है मुझे। है और आने का क्या छुपा रही है वो? मतलब क्या? मतलब वो कुछ छुपा रही है? उसने कुछ कहा क्या तुझसे? कहा मतलब? मतलब उसने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से तुझे लगा कि वो तुझसे कुछ छुपा रही है, ये पूछ रही है। इसका तो पता नहीं, लेकिन आप तो कुछ नहीं छुपा रही ना। बस नहीं तो कमाल है शिवाय, तू तो बाल की खाल निकालने लगता है। मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि अनिका ने कुछ कहा और तू उल्टा मुझसे सवाल कर रहा। आपने ही कहा ना, आपको सब पता चल जाता है। कौन क्या करता है, क्यों बात को छुपाता है। अनिका ने उस दिन क्यों किया? क्या बना आईडी? जो अनिका का रूप मैंने उस दिन देखा ना, ना उसके पहले देखा ना उसके बाद, अनिका ने उस दिन ऐसे रिएक्ट क्यों किया? इस तो बात हो गई। क्या हुआ? आपको छुपा तो नहीं रही? तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर 3 दिनों में तूने कुछ नहीं किया तो मैं खुद शिवाय को जाकर बता दूंगी इस घर करना चाहे इस बेटा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।